बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मिंट फ्लेवर की कुल्फ़ी बना रही हूँ। और ये मिंट फ्लेवर की कुल्फ़ी मैंने सॉफ्ट मिंट की, जो बाज़ार में टॉफ़ियाँ मिलती हैं ना, उससे बनाई है। तो बहुत ही मज़े की ये आइसक्रीम है। तो सबसे पहले मैंने सॉफ्ट मिंट की टॉफ़ियाँ ली हैं, और ये तकरीबन 1 रुपए की एक टॉफ़ी आती है। 10-12 रुपए की टॉफ़ियाँ ली हैं, और ये सभी को पसंद आती हैं। छोटे बड़े सभी बहुत शौक़ से ये टॉफ़ियाँ खाते हैं। सबसे पहले हम इसका रैपर अलग करके इसको खोल कर रेडी कर लेंगे। और बहुत ही खूबसूरत इन टॉफियों का कलर है। तो अब हम कुल्फ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पानी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से पानी आप ज़्यादा लेंगे। स्टोव ऑन करके तो लो फ्लेम पे हमने हल्का सा पानी गर्म करना है। और जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम सभी टॉफियां एक साथ डाल लेंगे। अब चम्मच की मदद से सारी टॉफियां पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता सभी टॉफियां जो हैं वो पानी के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी टॉफियां, और बिल्कुल पिघल कर पानी का हिस्सा बन जाएंगी। तो लो फ्लेम पे हम ये सारा सिस्टम करेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे पानी एवेपोरेट हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो जैसे ही टॉफियां बिल्कुल मिक्स हो गई पानी के साथ, अब इसको टेस्ट करके चेक करेंगे कि इसके अंदर हमने कितनी चीनी डालनी है। तो टेस्ट के हिसाब से चीनी डालेंगे। यहाँ पे मैं 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। अब चीनी को हम डिज़ोल्व होने देंगे हल्की आँच पर। तो चम्मच चलाकर चीनी को पहले मिक्स करेंगे। अब जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम हाई फ्लेम पे 30 सेकंड के लिए तो इसको पकाएंगे, उबालेंगे, और फिर फौरन ही चूल्हा बंद करके हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है। तो ठंडा जैसे ही हो जाएगा इसके अंदर हम महीन बारीक कटा हुआ पुदीना थोड़ा सा डाल देंगे, ताकि इसके अंदर फ्रेश फ्लेवर आ जाए। पुदीने के बाद इसको हम एक बर्तन में किसी भी गिलास वगैरह में डाल देंगे, ताकि हम मोल्ड में जब भी इसको डालेंगे तो हमारे लिए आसानी हो। तो चलिए, ये गिलास में डाल दिया है, अब मोल्ड में डालते हैं। तो मोल्ड में भी मैंने थोड़ा थोड़ा पुदीना बारीक काट के डाला हुआ है, ताकि भी बहुत खूबसूरत बन जाए। और सभी मोल्ड भर कर इसको हम कवर कर लेंगे इस तरीके से, फॉइल पेपर से, या जो भी आपके पास तरीका हो, जिस तरीके से भी आप कवर करना चाहते हैं। तो कवर करके इसके अंदर हम स्टिक्स लगा देंगे। स्टिक्स लगाने के बाद अब इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे। तो जब तक ये कुल्फ़ी बन नहीं जाती तब तक हमने इसको फ्रिज में रखा, और अब निकाल लिया है। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था, तो इससे हमारी कुल्फ़ी बहुत अच्छी जम गई है। अब निकालने से पहले थोड़ा सा इसको नीचे वाली साइड से पानी में डिप कर लूँगी, और अब टेम्परेचर इसका थोड़ा सा डाउन हो गया है तो ये आसानी से निकल आएंगी। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये हमारी आइसक्रीम रेडी है। बिल्कुल जो सॉफ्ट मिंट की टॉफियों का ओरिजिनल कलर था, मैंने बिल्कुल वही कलर रखा है। अगर आप अपने बच्चों या अपनी पसंद का कलर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और ये सॉफ्ट मिंट की जैसे टॉफियाँ हम सबको पसंद आती हैं, ये सॉफ्ट मिंट की आइसक्रीम उससे भी ज़्यादा आपको पसंद आएगी। और ये बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बनी है, मुझे भी बहुत ही अच्छी लगी है ये। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो, ये कुल्फ़ी अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।